पृथ्वी के इतिहास में खगोलीय विकिरण की वर्षा का रिकॉर्ड पेड़ों में दर्ज हो जाता है। विकिरण पृथ्वी की वायुमंडल से टकराते हैं, जिससे नाइट्रोजन के परमाणुओं में बदलाव होता है और उससे कार्बन 14 नाम के रेडियोधर्मी परमाणु बनते हैं, जिसे पौधे अवशोषित करते हैं और वे पेड़ों के छल्लों में जमा हो जाते हैं। इससे वैज्ञानिकों को इस तरह की घटनाओं के होने का पता चलता है। लेकिन सबसे बड़ी पहेली यह है कि इस तरह के तूफान आते क्यों हैं? इस तरह की बड़ी घटनाओं को मियाके घटनाएं कहा जाता है और ये हर हजार साल में एक बार होती हैं। लेकिन इसके कारणों का अभी पता नहीं चला है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के खगोल भौतिकविद बेंजामिन पोप का कहना है कि हमें इस बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है, क्योंकि आज यदि इस तरह की घटना हुई तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये हमारी तकनीक को नष्ट कर देगा, जिसमें सैटेलाइट, इंटरनेट के तार, लंबी दूरी की तारे और ट्रांसफॉर्मर तक नष्ट हो सकते हैं। इसका वैश्विक बुनियादी ढांचे पर अप्रत्याशित असर पड़ेगा। वैसे तो खगोलीय विकिरण हमारे वायुमंडल से लगातार टकराते रहते हैं, लेकिन पेड़ों में जब बड़ी मात्रा में कार्बन 14 मिलता है तो इसका मतलब यह होता है उस साल खगोलीय विकिरण की बारिश हुई होगी।